नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरदोई जिले में एक पिता को बेटी ने ही संपत्ति हड़प कर घर से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। बुजुर्ग पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और एक आश्रम में जिंदगी गुजार रहा है। बुजुर्ग पिता ने एसपी से न्याय की गुहार भी लगाई है। थाना कोतवाली जहां निवासी परशुराम ब्रह्मचारी, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके बेटे और बहू उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी जमीन उन्होंने अपने नाम लिखा ली है। इस प्रार्थना पत्र पर थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात को निर्देशित किया गया है कि इसकी जांच करें और आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। क्या असर यह है कि हमारा लड़का हमको खेती ले लिया, घर ले लिया, घर से निकाल दिया। हमारा पैसा था 2 लाख, ले लिया 4 लाख रुपए, एटीएम से निकाल लिया 1.5 लाख रुपया से हमारा। एक और, सहारनपुर पुलिस लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है, तो वहीं जिले में अभी भी कुछ अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल घटना सहारनपुर के मिशन कंपाउंड सेंट मेरी पब्लिक स्कूल की है, जहां से गंगोह की रहने वाली एक अध्यापिका अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी रास्ते में 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने अध्यापिका वीना मलिक की चेन लूट ली। वीना मलिक ने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहाँ की रहने वाली हैं और आप आज फिलहाल कहाँ पे आई हैं? गंगो की रहने वाली हूँ और यहाँ पर सेंट मैरी में मेरी बोर्ड चेकिंग में ड्यूटी लगी हुई है। क्या घटना हुई आपके साथ? जैसे हम लोग वापस जा रहे थे तो 2 जो लड़के थे वो बाइक पे आए और उन्होंने मेरे पीछे से एकदम से चेन खींची और लेफ्ट टर्न ले लिया। गोल्ड चेन थी? आप गोल्ड की चेन? करीब कितने तोले की चेन थी? क्या कीमत लगी? 1.5 तोला की थी। अब आप लगा लीजिए। ये जो बाइक सवार जो युवक थे, इनका आपने चेहरा देख पाया? नहीं, चेहरा कुछ नहीं देखा क्योंकि एकदम से उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया। एसटीएफ यूनिट लखनऊ महेशगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के नामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। हत्या के अभियोग में वांछित अपराधी लालता प्रसाद यादव राम सेवक निवासी ग्राम तीछा थाना महेशगंज सालों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अपराधी लालता प्रसाद यादव के ऊपर 25,000 का नाम किया गया था। फरार अपराधी को पकड़ने के लिए महेशगंज की पुलिस एसटीएफ हर संभावित स्थानों पर दबिश देकर पुलिस ने उसे आखिर धर दबोचा है। एक मुक्त एसटीएफ महेशगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है, जो हत्या का ग्रुप था और उस पर 50,000 रुपये के नाम घोषित था। 2006 की गांव तिरछा की एक हत्या, उसमें वो वांछित चल रहा था लगातार। क्राइम नंबर 8/2006। क्या प्रधान की हत्या में किसकी हत्या में शुरुआत? राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं, बाकी गिरफ्तारी करके। नगर निगम क्षेत्र में अंतर्गत शिवाजी नगर और बापू ग्राम में खाली पड़ी ग्राम समाज की भूमि का सीमांकन करने की मांग फिर से उठ गई है। स्थानीय पार्षद और लोगों ने मेयर से मुलाकात कर इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मेयर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। शिवाजी नगर की गली नंबर 18 स्थित खाली प्लॉट में खड़े पेड़ों से भी जानमाल का खतरा होने की शिकायत मेयर से की गई है। आज हमारे वार्ड नंबर 26 के पार्षद जयेश राणा जी के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में वहाँ से लोग आए हैं। उनकी समस्या है कि उनके घरों के आसपास एक खाली प्लॉट है जिसमें लगभग 100 लिप्टिस के पेड़ हैं और वो बिल्कुल उनके मकानों से सटे हुए हैं। कई पेड़ सूखे हुए हैं, आंधी तूफान चलती है क्योंकि उनको आपदा का खतरा है उसमें। ये दरअसल ये विगत वर्षों से जो चला आ रहा है, निगम से पहले हम लोग ग्राम सभा में थे, तो ग्राम सभा की भूमि जितनी भी अनलीगल है, जो पार्षदों को, जो ये मेंबर थे पुराने, उनको मीराबेन द्वारा दान दी गई थी। दान में लगभग 65 या 70 बीघा ज़मीनें दान दी गई थी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवाजी नगर क्षेत्र में जो है पिछले कई वर्षों से जो है ये लिपस्टिक के पेड़ खड़े हुए हैं। कम से कम इनकी संख्या जो है 100 से अधिक है, जिसमें कुछ इसमें सूखे पेड़ भी हैं। एम्स के बाहर सड़क किनारे ठेली लगाकर रोजगार करने वाले संचालकों ने सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सभी संचालक अतिक्रमण के नाम पर ठेली हटाए जाने से नाराज है। संचालकों ने उत्तराखंड नगरिया फेरी नियमावली के आधार पर व्यवस्थित कर स्थायी रोजगार देने की मांग प्रशासन से की है। संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो 11 मई को सभी संचालक पैदल राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए कूच करेंगे। वहीं एम्स में आने वाले मरीजों के तिमारदार ठेली नहीं लगाने की वजह से चाय और खाने पीने के लिए दर दर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम यशवंत सिंह रावत का ठेली रेडी बटी ठेली वालों का नेतृत्व करता हूँ। यहाँ पर 5 तारीख पर जो प्रशासन के द्वारा जो बलपूर्वक लाठी डंडों के जोर पे जो हमारी ठेलियाँ हटाई गई हैं, हमारी यही मांग है कि हमें दोबारा से व्यवस्थित ढंग से उनको लगाया जाए।
और ये जो हम स्वरोजगार कर रहे थे, हमें फिर उसी तरह से उत्तराखंड 2016 नगरीय फेरी नीति के आधार पर हमारे को रोज़गार दिया जाए, और जो भी हमारा नुकसान हुआ है लाठी डंडों के बल पर, वो हमारा नुकसान की भरपाई की जाए, हमारा सामान वापस लौटाया जाए, जिसका भी सामान गया है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है वो चल रहा है जिला प्रशासन के लिए कि जो यहाँ कोलघाटी से लेकर सीमा डेंटल तक जो लोग थे, अपने व्यापार कर रहे थे, उन सभी का रोज़गार छीन लिया गया है सरकार के द्वारा। मैं तो यही कहूँगी कि सरकार के द्वारा है, क्योंकि जब मंत्री जी से बात की गई, उन्होंने कहा कि ये मेरा आदेश नहीं है। मेरा नाम शाहिद है जी। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी, हम यहाँ बीमार आते हैं, हमारे समझिए नहीं, सारे बीमार साथ में हैं। यहाँ ना रोटी मिल रही है, ना चाय मिल रही है, कुछ भी नहीं। जब ये सारे उठवा दिए, अब हम भूखे कहाँ जाएंगे जी। सहारनपुर में देवबंद रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा टल गया, जहां पर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फाटक खुलने के 3 मिनट बाद ही बंद करने की सूचना आई। रेलवे फाटक पर जाम में सैकड़ों वाहन फंस गए थे। वाहन फंसने से फाटक बंद नहीं हो सका, एक ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। सामने से आ गई ट्रेन और ट्रक चालक जो है वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि फाटक बंद होने से पहले ट्रेन वहाँ पर आ गई और ट्रक जो है बिल्कुल ट्रेन के सामने ही खड़ा हुआ था। बारह वर्षीय देवी प्रत्याक्षा सारस्वत का दूसरा गाना रिलीज किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित रस्किन बांड और योग गुरु पद्मश्री स्वामी भरत भूषण ने रिलीज पर उपस्थित रहकर मात्र 12 वर्ष की आयु में देवी प्रत्याक्षा की सोच की और उनकी इस अनूठी प्रतिभा की सराहना की है। बता दें कि ये वन रेन गाना माँ प्रकृति और मानव के साथ जीव जंतुओं को भी समर्पित है, जहाँ मानव जाति को संदेश दिया गया है कि प्रकृति और बाकी जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बनाकर जिए, जिससे विश्व का कल्याण हो। तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे खड़ी महिला और उसकी मासूम बच्ची को रौंद दिया। मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया है। आरोपी चालक फरार है, वही गंभीर हालत में महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। ये पूरा मामला हर्षद नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड का है। थराली विकासखंड के कोकरवाड़ गांव में लक्ष्मी और रुद्रप्रयाग निवासी सुरजीत कुंवर की सगाई के अवसर पर दोनों जोड़ियों ने पारिवारिक परिजनों के साथ फलदार पौधा लगाकर अपनी सगाई को यादगार बनाने के साथ ही समाज में प्रकृति को हरा भरा रखने, स्वच्छ और जलवायु को प्रदूषण मुक्त रखने का अनुकरणीय संदेश भी दिया है। केदारनाथ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक 4 दिनों की यात्रा में 75,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2019 की यात्रा का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। इस बार हर दिन भोले के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा पड़ावों में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। को फैसिलिटेट करने के लिए उनका उस समयबद्ध तरीके से दर्शन हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ऊपर केदारपुरी को अलग अलग सेक्टर जोन में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे 2 पुलिस उपाधीक्षक और 2 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं वहाँ पर, उनके अंडर में पूरी फोर्स दी गई है, तो पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था है। IGPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को दबोचा है, जिनके कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPAC की धारा मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। गदरपुर की जनता की वर्षों पुरानी बस स्टैंड की मांग पूरी होने लगी है। इस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक प्रबंधक में SIMT कॉलेज के पास बनने वाले बस अड्डे वाली भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही राजस्व कर्मियों द्वारा भूमि की नाप जोख की गई। इस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक रामेश कुमार ने कहा कि बस अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 3,17,00,000 की लागत से बस अड्डे का निर्माण पूरा होगा और कम से कम 18 महीने में ये बस अड्डे जो है वो नया बनकर तैयार होगा। 17,00,000 यानी कि 3,49,17,000 इसकी लागत है। और जो मंडी परिषद का जो वो एक अनुमानित जो समय है वो 18 महीने के लगभग।
बंगे संस्कृति सुधा समिति के तत्वाधान में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ विद्यासागर पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी वक्ताओं ने विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवनी के ऊपर विचार रखे। एसपी यातायात हरिद्वार का चार्ट संभालते ही हिमांशु वर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को एसपी यातायात हिमांशु वर्मा मंगलौर पहुंचकर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसपी यातायात ने रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के चालान भी काटे। एसपी यातायात हिमांशु वर्मा ने कहा कि मंगलौर में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। ज्यादा दुर्घटना रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों से होती है, इससे रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा भी चल रही है जिससे काफी संख्या में वाहन उत्तराखंड में आ रहे हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्री संयम बरतें और यातायात के नियमों का पालन जरूर करें। गया था, मैं निरीक्षण कराया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारा हरिद्वार का जो मंगलौर का जो हमारा किराया है और ये जो हमारा देवबंद किराया है, यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि लोग जो है रॉन्ग साइड जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी एक्सीडेंट भी होती है। और यहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंट भी होते हैं और रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ट्रैफिक भी बाधित होता है। तो मैंने आज अपने जो हमारा स्टाफ था उसकी मैंने आज पुलिस लाइन में बैठक की थी, जिससे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ कि कहाँ कहाँ हमारे किस किस तरीके के हमारे जो एक्शन है वो लिए जाने चाहिए। तो अभी मैंने शाम में बोला था यहाँ पे जो रॉन्ग साइड चल रहे हैं उनका चलान करने के लिए, तो वो यहाँ पे चलान भी किया गया। ऐसे ही मंगलौर किराए पे जो है हमने अभी तो चलान इतना नहीं किया है, अभी हम थोड़ा अवेयरनेस कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो ई रिक्शा हैं या हमारी जो बस हैं वो जो है वहाँ पे अपने ही निर्धारित स्थान पे लगे, वो कहीं भी रैंडम ना लगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।